क्या रे दादा, क्या बोलता? फिर आ गए क्या तेरे ईद के कपड़े? सर, मेरे ईद के कपड़ों का क्यों टेंशन ले रहे? अरे तुमको तो मालूम है ना, मेरे बाबा मेरे हाथ कितने भारी कपड़े जूते लाते। वाह यार दादा, तेरा तो एक नंबर है। काम ना धंधा, और ईद के दिन तो एकदम हीरो बन के घूमता हो। अरे उसके वास्ते नसीब लगते नसीब। हाँ दादा, तेरा नसीब तो एक नंबर है। हाँ यार साला, यहाँ तो ऐसा है, अपने कपड़े खुद ही खरीदो और घर वालों के भी खरीद के अपनों को ही लाना पड़ता। अबे अबे क्या है, ईद के वास्ते कपड़ों कपड़ों का लगा रे? अबे ईद आने को अभी 2 दिन है ना, अभी से लगाएंगे। अबे अभी रोजा खुलने का टाइम हो रहा, चलो रोजा खुल ले। हाँ दादा अरे माँ छोटू, कहाँ जा रहा? अरे कितनी धूप है माँ, तेरा रोजा है ना बेटा? अरे दादी वो सब छोड़, पहले तू मेरे को ये बता, मेरे बाबा ने मेरे वास्ते ईद के कपड़े अभी तक के क्यों नहीं लाए? अरे बेटा छोटू, ऐसा कोई साल हुआ क्या जिसमें तेरे बाबा ने तेको ईद के कपड़े नहीं लाए? अरे हमारे कपड़े आए ना आए, पर सबसे पहले तेरे कपड़े लाते ना छोटू। अरे हाँ लाना ही पड़ेगा, तू के एक लौता एक बेटा तो है मैं। माँ एक लौता बेटा है ना मेरा तू। क्या रे बेटा रहीम, काय का टेंशन ले रहा? ये ले चैन और रख दे सोनार के वहाँ, और मेरे पोतरे के कपड़े लेके आना। क्या है ना माँ, उसके पूरे महीने के रोजे आ रहे। अरे माँ मेरे को मालूम है उसके पूरे महीने के रोजे आ रहे, तू तू ये चैन रख तेरे पास, करता मैं कुछ। अबे दिख रहे, वो अपने गांव का सौकार जा रहा, कंजूस मक्की चूस। अबे दादा तुझे मालूम है क्या, अबे गोबर में ग्रिल पैसे भी उड़ा लेता हो। अबे चलो फिर उसकी मजा लेते चलो। हाँ? गोबर में पैसे, आजकल गाया वैसा भी पैसे आगरे क्या? छोड़ दे वहाँ। ये गाय भैंस किसकी होगी यार, जो ऐसे पैसे आगरी, उस पर नजर रखना पड़ेगा यार, मैं जाके उसका गोबर चिवड़ा करूंगा और नहीं तो खरीद ही लूंगा ना। क्या जोकर, क्या चुवल रहे हो गोबर में? अरे पूरे 15 रुपए गिलो। क्या रे, ये तेरा काम है क्या? तूने रखा गोबर में पैसे? तो तुमको क्या लगा ये गाय भैंस ने पैसे आगे क्या? क्या रे तुकार अंडे, किसका है रे तू? हाँ किसका है बोले तू? अरे मैं मेरे बाप बाप का है। अरे मेरे को मालूम है तू तेरे बाप का है, मगर तेरे बाप का नाम बोल। जो नहीं बताता मैं मेरे बाबा का नाम। अब ऐसा क्या लेके बैठे भरे हुए हाथ, जाओ हाथ धो लो। देखो रे तक कंजूस मक्की चूस आदमी है, अब 15 रुपए लेके आते पूरा गोबर चोर डाला। चले चटू। ऐसा उसका नाम छोटू है? नमस्ते साहूकार। नमस्ते नमस्ते, बोलो कैसे आना हुआ रहीम भाई? पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी मेरे दरवाजे पे आए नहीं, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुमको? साहूकार कुछ पैसे की जरूरत है मुझे, कर्जा होना मेरे को, आजकल काम धंधे बहुत ठंडे चल रहे और ईद भी आ गई, तो मेरे पूरे छोटू के हस्ते कपड़े लेने के साहूकार। छोटू तेरा पोरिया है? छोटू के हाथ से कपड़े ले रहा तू? हाँ साहूकार, छोटू मेरे ही पूरे है। तो रहीम भाई चलो निकलो इधर से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है। अरे साहूकार एक महीने में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बहुत मजबूरी में आया मैं तुम्हारे पास। रहीम लोग मेरे पास मजबूरी पे ही आते, तेरा पूरा छोटू है ना जो, वो बहुत औचिन है, उसको काम धंधे पे लगा। अरे अगर वो काम धंधे करेगा ना तो तेरे को इसके उसके पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे साहूकार मैं तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आया, कर्जा लेने आया तुमसे साहूकार। हाँ चल रे निकल यहाँ से, मैं तो बोलता भीख मांग, वैसे भी रमजान का महीना है, अच्छी खासी भीख मिल जाएगी, फिर खरीद लेना तेरे छोटू को कपड़े। ए रहीम
लगा तेरे पोरिया को काम धंधे पे, और अगर कहीं काम नहीं मिला ना उसको तो भेज मेरे पास, बहुत काम है मेरे पास। आया हुआ उचिन का मसला लेके मेरे पास। अरे बेटा ऐसा क्या देख रहा मेरे को, कल चांद रात है, तेरे कपड़े और जूते लेके आ जाऊंगा, कल जरूर लेके आ जाऊंगा। अबे यार, अबे ये पहली टाइम ऐसा हुआ कि छोटू ईद का चांद देखने नहीं आया। हाँ यार सही बोल रहा तू, छोटू इस बार चांद देखने नहीं आया यार। मेरे को लगता उसके बाप साहब ने खरीदी करने गया होगा। अपने कपड़े देख लिया ना, अपने से अच्छा कपड़ा लाएंगे। सही बोल रहे तुम लोग, क्योंकि उसका ना हर साल का इसी रहता। अरे हाँ सब छोड़ो, चलो उसको बताएंगे आज चांद दिख गया। हाँ चलो चलो चलो। बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, मैं इस साल ईद पर तेरे लिए कपड़े नहीं ला पाया बेटा। अरे बेटा तूने कपड़े नहीं लाया तो क्या हुआ, मेरे पोतरे ने ईद के वास्ते खुद ही खरीद के लेके आ गया। दादी ये देख कपड़े कैसे हैं। अरे बेटा तूने तेरी पसंद के कपड़े लाया ना तो अच्छे छोंगे। एक काम कर, तू ना मेरे को पहन के दिखा। अरे दादी एक बार तू देख तो सही। ला तू इतनी जीत कर रहा ना तो देख ही लेती। ला ये क्या, तूने तूने तेरे लिए कपड़े नहीं लाया क्या? रे बेटा तूने तेरे वास्ते कपड़े नहीं लाए, हमारे वास्ते लेके आ गया। इतना बड़ा हो गया तू, तूने हमारे वास्ते कपड़े लाया। बेटा तू सचमुच बड़ा हो गया, मेरा सहारा बन गया तू, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बेटा तूने तूने हमारे ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया बेटा, दोबाला कर दिया। अरे दादी बाबा तुम रो मत, अरे ये खुशी का दिन है। अरे मैं अब समझ गया कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। मैं हर साल ना ईद पे तुम्हारे हस्ते कपड़े लेके आऊंगा। भाई लोग सबको ईद मुबारक। क्या यार दादा आज ईद का दिन है और तू जूने कपड़े में नमाज पढ़ के आया। हाँ यार दादा पहली बार देख रहा मैं दादा को ईद पे पुराने कपड़े पहनते। अबे ये पुराने नए क्या लगाए बे, बे पुराने कपड़े पहन के जाओ कि नए कपड़े पहन के जाओ, ईद की नमाज हो जाती। और एक बात बताऊंगी तुमको, सही ईद किसकी होती? अबे जो महीने के पूरे रोजे रखता ना ईद सही उसकी होती। अबे वो सब चलो चलाओ गले लग जाओ। ईद मुबारक दादा।